नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर, और मैं हूं आपका जनरल स्टडीज और साइंस एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे साइंस के पारंपरिक शो 2020 शो की, और 2020 शो का ये है एपिसोड नंबर 13। जल्दी से क्वेश्चन पर आ जाते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पेनिसिलिन कहां से निकाला जाता है? आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। तो पेनिसिलिन निकाला जाता है भाई फंगस से, एक चीज़ याद रखिएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना कि पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। दूसरा, पेनिसिलियम मोल्ड ये फर्मेंटर में उगाया जाता है, और इसको उगाने के बाद में से उसमें पेनिसिलिन निकाला जाता है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हाथों में से पकड़ा हुआ एक फर्मेंटर है, जिस फर्मेंटर के अंदर ये पेनिसिलियम मोल्ड को उगाया गया है, तो यहाँ से पेनिसिलिन को निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं कि अगर मान लीजिए किसी केशिका, केशिका का मतलब होता है कि जो एक नली सी होती है, पतली नली, उसका डायमीटर डबल कर दिया जाए तो उसमें पानी किस स्तर से बढ़ेगा। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लो, एंड देन उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आंसर है नंबर 3, आधा हो जाएगा। और कैसे? देखो, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। एक चीज याद रखिएगा, मतलब जितना ज्यादा चौड़ी ये केशिका होगी उतना ही पानी कम चढ़ेगा ऊपर की ओर। तो रेडियस अगर डबल कर दी गई तो अपने आप जो राइज लेवल ऑफ वाटर है वो हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नंबर 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है, कौन सा रक्त के संचलन में मदद करने वाला तत्व है जो आपके सामने मौजूद है। और इसका सही आंसर है लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लिम्फोसाइट्स जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट हैं, WBC का पार्ट है। याद रखिएगा, द मूवमेंट ऑफ लिम्फोसाइट इन द बॉडी टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फोटिक सिस्टम। लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनके बीच में ये पूरा फ्लो होता है, और इन्हीं के फ्लो होने की वजह से ब्लड भी फ्लो होता है। सो लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टिश्यूज, इन सभी के बीच में ये फ्लो, एंड लेस देन 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिम्फोसाइट्स इज कॉन्स्टेंटली सर्क्यूलेटिंग। तो ये जो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेशन है ये बना रहता है, और बाकी जो है वो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में डिपॉजिट होते हैं। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स, यानी इनमें से कौन से तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। और इसका सही आंसर है बोरॉन। वैसे तो 17 अलग अलग तरीके के तत्व होते हैं, लेकिन पानी और कैल्शियम का जो अवशोषण है उसको बढ़ाने के लिए बोरॉन काम आता है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा पूरी तरह से। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से पानी को ऊपर की तरफ और न्यूट्रिएंट्स को ऊपर की तरह लिया जाता है, और इसमें यहाँ पर CD जरूर लिखा हुआ है, बट मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझाना चाह रहा था। उपयोग जो बोरॉन है वो बोरॉन द्वारा ही पानी और कैल्शियम को अवशोषित करने में किया जाता है। ओके, तो आप याद रखिएगा, ये CD को इधर माइंड मत करें, बस ये देखें कि पौधे में किस तरह से ऊपर की तरफ ये न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन दी ओपन एयर, यानी खुली हवा में लाने पर कौन सी लकड़ी बेकार हो जाएगी। और इसका सही आंसर है गीली लकड़ी, वेट वुड बेकार हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एक और क्वेश्चन है आपके सामने बड़ा बढ़िया सा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और इसका सही आंसर है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्यों है उसका भी हम लोग देख लेते हैं एक एक्सप्लेनेशन कि आखिर कारण क्या है। एक चीज़ याद रखो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। ऐसा एंटीबायोटिक जो कि दो बड़े बैक्टीरियल ग्रुप पर काम करे, बड़े बैक्टीरियल ग्रुप की बात हो रही है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, अगर इन दोनों बैक्टीरियल ग्रुप पर कोई एंटीबायोटिक काम करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या ऐसा एंटीबायोटिक जो बहुत सारी डिसीज़ के खिलाफ काम करता है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। यानी एक ही एंटीबायोटिक से आप बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षा पा जाओ, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं।
एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एम्पिसिलिन। जब भी किसी की प्रतिरक्षा तंत्र में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको ठीक करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और बढ़ करके देखते हैं कि हमारी जो बोन्स और टीथ हैं, यानी जो हमारी हड्डियां और दांत हैं, वो आमतौर पर किससे बने होते हैं। और इसका सही आंसर है ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। याद रखेंगे, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं हमारी हड्डियां और दांत, दोनों ही इससे बने होते हैं। और ये आप देख सकते हो एक टूथ की एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी मतलब उसका पूरा मेडिकल सिस्टम। 95% देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, जो कि ज़्यादा आसपास आ करके एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एकदम हार्ड बाउंड स्ट्रक्चर। और ये हार्ड बाउंड स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ होता है एनमल, अंदर की तरफ होता है डेंटिन, उसके अंदर जो नसें होती हैं जिनकी वजह से सेंसेशंस फील होते हैं उसे कहते हैं पल्प। याद रखिए, ये एनमल अगर ख़राब होता है तो एनमल ख़राब होने पर ही दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। और सबसे अंदर की तरफ होती हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ब्लड वेसल्स मतलब वो जो रक्त को, रक्त वाहिकाएँ हैं, रक्त को कैरी करती हैं, और नर्व्स वो जो कि ब्रेन द्वारा सिग्नल को यहाँ तक लाती हैं या यहाँ से सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती हैं। पॉइंट आपको क्लियर है। 4% इसमें पानी होता है, 1% लगभग प्रोटीन होते हैं। तो लगभग 95% क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और जल्दी से देखते हैं, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लो भाई। सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है उसे क्राउन कहा जाता है, नीचे का पार्ट जो होता है उसे नेक कहते हैं, और सबसे नीचे का पार्ट जो होता है उसे रूट कहते हैं। यानी जो मसूड़ों के अंदर वाला भाग है वो रूट है, उसके बाद का जो थोड़ा सा पोर्शन उसको नेक, और ऊपर के पार्ट को क्राउन कहा जाता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक दांत के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। अंगूरा वूल यानी अंगूरा ऊन कहाँ से निकाला जाता है, और इसका सही आंसर है खरगोश से। आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा खरगोश है आपके सामने, आप देख सकते हो। ये जो खरगोश है ये अंगूरा रैबिट के नाम से ही फेमस है, और इसी में से निकाला जाता है अंगूरा फाइबर। होप आपको ये क्लियर है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरह के भी फाइबर होते हैं, याद रखना। फाइबर का मतलब हम लोग ऊन की बात कर रहे हैं ना। तो एक मोहर होता है, मोहर को अंगोरा गोट से निकाला जाता है, अंगोरा गोट का मतलब अंगोरा बकरियों से। और इसके अलावा एक होता है कैश्मीर, जिसको कैश्मीर बकरियों से निकाला जाता है। तो इस तरह से गोट का मतलब एक तरह की भेड़ जैसी, इन सभी में से डिफरेंट डिफरेंट ऊन को निकाला जाता है। आप ये देख सकते हो आपके सामने कितना खूबसूरत सा एक अंगोरा रैबिट बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस अफेक्ट वीमेन ईजली देन दैट ऑफ मैन। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती है, और ये सही आंसर है अर्थराइटिस। जो गठिया होता है, गठिया यानी कि जोड़ों में दर्द होने वाली बीमारी, ये ज़्यादा होती है, और उसके पीछे वजह यह है कि वो ज़्यादा खड़े होकर के काम करती हैं। इसके अलावा डिलीवरी के टाइम पर वो ज़्यादा पेन को सहती हैं, और उनके जॉइंट्स के मूवमेंट भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये अर्थराइटिस जो बीमारी है ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित कर देती है। या यूं समझो कि अगर 5 में से किसी एक आदमी को ये अर्थराइटिस बीमारी होगी तो 4 में से एक किसी महिला को होने की आशंकाएं होती हैं। तो होप आपको ये क्लियर है। थोड़ा सा ही वो जो नंबर्स का सिस्टम है वो डिफरेंट है, बस ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपके सामने ला दिया इसे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ MGDL ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। फास्ट का मतलब उपवास के समय सामान्य व्यक्ति में ब्लड शुगर की MGDL सीमा क्या होती है। तो एक चीज तो याद रखो, MGDL का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इसका आंसर भी देख सकते हो आप, 70 से 130 होती है इसकी लिमिट। और एक चीज़ और, वो ये कि जो डायबिटिक लोग होते हैं उन डायबिटिक लोगों का 130 के ऊपर वो स्तर चला जाता है, जो कि कई बार आप पूछते हैं कि डायबिटिक का कितना है ब्लड शुगर लेवल। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल होता है उतना ही ज़्यादा डायबिटिक इंसान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है भाई कि 70 से 130 होती है इसकी लिमिट। याद रखना कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल, वो भी कब, जब उपवास हो रहा हो उस समय पर, 70 से 130 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। और ग्लोबल मीन फास्टिंग प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमंस इज अबाउट 5.5
मिली मोल पर लीटर। होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, यानी इसको बोलते हैं 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये लेवल जो है ये फ्लक्चुएटिव है, मतलब मॉर्निंग में ये लेवल कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप भोजन लेते जाते हैं, शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये लेवल बढ़ता जाता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए किसी भी पेड़ के तने में 50 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या होगी। तो एक चीज़ याद रखो भाई कि उसकी उम्र भी होगी 50 साल। और 50 साल क्यों? क्योंकि हर साल एक छल्ला बनता है। आप देख रहे हो ये कास्ट है, कास्ट का मतलब एक लकड़ी, जिस लकड़ी में तने को बीचों बीच काटा गया और ये इस तरह से रिंग्स होते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिंग्स उतना ही ज़्यादा उसकी एज, और पर रिंग आप एज निकाल सकते हो कि व्हाट इज़ द एज, यानी वन रिंग पर ईयर। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ करके देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसके लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्यूरिफिकेशन इज द राइट आंसर, प्यूरिफिकेशन के लिए डायोड का इस्तेमाल करते हैं। और डायोड है क्या? करंट को एक दिशा में भेजने वाले डिवाइस का नाम है डायोड। याद रखिए, फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन ओनली। और डायोड जो होता है ये जितना भी छोटा मोटा करंट सर्किट के अंदर लीक होता है, उस लीक्ड करंट को, याद रखिए, उस लीक करंट को रेक्टिफायर जो होता है वो सर्किट को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है सर्किट को प्योरीफाई करने के लिए, और डायोड जो है, डायोड भी प्योरीफिकेशन में इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और इसका सही आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब। इन्होंने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक भारत में विकसित की। आगे बढ़ करके ये देखते हैं कि कोयले का कौन सा प्रकार प्रति यूनिट सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, यानी हीट सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है पर यूनिट। तो इसका सही आंसर है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है, एंथ्रेसाइट में लगभग 90% कार्बन होता है, और एंथ्रेसाइट कोयले का एक ऐसा प्रकार है जिसमें से सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। और अगला क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो भी सिग्नल्स हैं भेजे जाते हैं, वो अधिकतर रेडियो वेव्स सिग्नल्स होते हैं। तो होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना है कि कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए जितना ज़्यादा दूर आपको भेजना है उतना ही, याद रखें, वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। और रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ होती है 10^1 से लेकर के 10^3। अब जल्दी से बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी, वेवलेंथ को किस यूनिट में लिखते हैं, जल्दी से बताओ। वैसे तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि ये मीटर पे होती है, लेकिन एक चीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि वेवलेंथ की यूनिट क्या है। हम लोग ये क्यों लिखते हैं जिसके ऊपर ए डिग्री सा लिखा होता है, जल्दी बताना मुझे कमेंट करके भाई। सो अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है। और इसका सही आंसर है आपके सामने कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, नियत आवृत्ति। और देखो भाई, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करता क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है आप मॉड्यूलेट करके और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। देखो जैसे आपने देखा कि जो FM होते हैं, FM का फुल फॉर्म ही होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर जब आप एक जगह पर फिक्स करते हैं, एक जगह पर फिक्स करने के बाद आप उस पर्टिकुलर चैनल को सुन पाते हैं, लाइक 93.5 आप सुनते हैं या 98.3 आप सुनते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के चैनल्स होते हैं जिन चैनल्स को आप सुन पाते हो। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और ये बताइए कि जब भी कार की स्पीड को दुगना किया जाता है तो उसी डिस्टेंस में अगर आपको ब्रेक अप्लाई करके कार को रोकना हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसका सही आंसर है कि अगर स्पीड जितना टाइम्स बढ़ती जाएगी उसका डबल टाइम्स बढ़ता जाएगा हमारा ब्रेक। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा पूरा। 4 times यानी 4 times आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, और 4 times ब्रेक लगाने पर वो कार खड़ी हो पाएगी। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम आवेग के समान है। अगर डायमेंशन देखें तो मोमेंटम के समान होती हैं। याद रखिएगा, मोमेंटम जो होता है वो होता है p = mass × velocity। और जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स को हम लोग लिखते हैं कि फोर्स इंटू द टाइम। यानी सबसे पहले मोमेंटम का मतलब कि जब भी कोई चीज़ स्पीड में चल रही होती है या उसके अंदर गति होती है, उस समय पर जो भी उसका मास है और जिस भी वो वेलोसिटी में है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मोमेंटम मिलेगा। यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी यानी वेग। लेकिन इम्पल्स का मतलब जब भी कोई चीज़ हिट करती है, तो हिट करते टाइम यानी उस जैसी टकराती है,
टकराते टाइम एकदम एग्जैक्टली जो फोर्स के साथ वो टकराई और जितने टाइम तक टकराने के दोनों के बीच में वो कॉन्टैक्ट रहा वो, तो इट इज कॉल्ड एफ इंटू टी, सो फोर्स इंटू टाइम। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इम्पल्स और ये हमारा संवेग, ये जो दोनों हैं इन दोनों की डायमेंशंस समान होती हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक मात्रक राशि है। अब मात्रक राशियां मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सात होती हैं। राशियां क्या है, क्वांटिटीज की, क्वांटिटीज में देखो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और फिर होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल वो हैं जो फिक्स्ड हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां वो हैं जिनमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ही इनको निकाल दिया जाता है। अब जैसे आप मास की बात करें, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये जो सात होते हैं ये सात बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनमें से निकाली जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे निकाली जाएंगी, जैसे एरिया की बात करें तो एरिया में लेंथ इनटू लेंथ, अगर दो बार लेंथ आए इसका मतलब ये फंडामेंटल तो है नहीं, क्योंकि फंडामेंटल तो लेंथ है यानी मीटर इंटू मीटर, इसीलिए इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसी तरह से जैसे यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, यानी कि ये जो लेंथ है इस लेंथ को लेंथ इंटू लेंथ तीन बार आपने मल्टीप्लाई किया। इस तरह से वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी इसमें एक लेंथ है और दूसरा समय भी है। फोर्स की यूनिट होती है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास जो है मास को हम लोग लिखते हैं केजी में और एक्सीलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यानी बल को भी लिखेंगे न्यूटन में, बट उसके बावजूद याद रखो इसकी यूनिट भी एक डिराइव्ड यूनिट है, यानी क्वांटिटी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही आंसर है आपके सामने टाइम। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का हमारा सेशन 2020 शो का, और आपसे मिलेंगे फिर अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।